नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज में शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। कैंट थाना में हुई उमेश रघुवंशी के साथ मारपीट का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल देर रात थाना प्रभारी आशीष सप्रे पर FIR दर्ज की गई। थाना प्रभारी आशीष सप्रे पर IPC की धारा 294, 323, 342 में मामला दर्ज किया गया है। आज इसी के विरोध में एक रैली के माध्यम से ज्ञापन कलेक्टर दत्ता को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि थाना प्रभारी आशीष सप्रे की कैंट में पुनः बहाली की जाए। इस रैली के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि थाना प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने उमेश रघुवंशी को थाने में इतना मारा कि उसे मरणासन्न अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उमेश रघुवंशी के घर वालों का कहना है कि उमेश को आज दिनांक तक होश नहीं आया है। अब देखने लायक होगा कि क्या करता है पुलिस प्रशासन इस विषय में। को थाना में पद स्थापना के दौरान अंधे कथनों का खुलासा किया गया। अपराधियों में भय एवं आम जनता में सुकून का माहौल निर्मित किया गया एवं यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त की गई। विगत 26 जनवरी 2018 को कर्तव्य निष्ठ TI है। ऐसे TIOं को ऐसे जिला मुख्यालय से हटाया जाना जनता के हित में नहीं होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि आशीष सप्रे को उन्हें कैंट थाने में ही बहाल करके वहाँ पदस्थापना उनकी की जाए। अगर इस प्रकार की वारदातें होती रहीं तो आने वाले समय में अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और इससे जनता को नुकसान होगा और जनता पर एक जुल्म होगा। ऐसे अनिष्ट अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे अधिकारियों का के बारे में पुनः विचार करने का काम मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन करें और पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो DGP हैं, वो इसमें हस्तक्षेप करें और TI आशीष सप्रे को गुना कैंट में पुनः स्थापित किया जाए। सरकारी अस्पताल में नवजात की मौत को लेकर देर रात तक होता रहा हंगामा। TI अस्थाना, तहसीलदार और SDM की समझाइश के बाद लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई के आश्वासन के चलते नवजात के शव को घर वाले लेके गए। मामला दरअसल यह है कि प्रसूता रानू बानो पत्नी इमरान खान निवासी पटेल नगर कैंट को दर्द होने की शिकायत में परिजनों ने रविवार सुबह 9 जिला चिकित्सालय में प्रसूति वार्ड में भर्ती कराया, जिसके बाद प्रसूता की प्रारंभिक जांचें की गईं जो कि नॉर्मल आईं। दोपहर तक सब ठीक था, पर दोपहर के बाद प्रसूता वार्ड में कर्मचारियों द्वारा परिजनों को बताया गया कि डिलीवरी के दौरान आधा शिशु बाहर आ गया, साथ ही आधा अंदर फंसकर रह गया, जिसके बाद 4 तक प्रसूता को इसी हालत में रखा गया। प्रसूता के परिजनों ने इस दौरान सभी कर्मचारियों से विनती की कि जल्दी कुछ किया जाए, पर बताया गया कि सभी डॉक्टर्स मीटिंग में व्यस्त थे एवं कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं परिजनों द्वारा पूरे घटनाक्रम की जानकारी जिला कलेक्टर को दी गई, जिनके निवेदन के बाद जल्द डॉक्टरों को प्रसूता गृह में भेजा गया, पर 4 बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आनन फानन में प्रसूता का ऑपरेशन किया एवं बच्चे को बाहर निकाला, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नवजात दम तोड़ चुका था, जिसके लिए प्रसूता के परिजनों ने नवजात की मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर ड्यूटी डॉक्टरों को ठहराया। वहीं नवजात की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने नवजात के शव को जिला चिकित्सालय के सामने रखकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिसके बाद सिटी कोतवाली प्रभारी विवेक अस्थाना ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर मोर्चा संभाला, पर वे भीड़ को खासा संभाल नहीं पाए। जिसके बाद मौके पर तहसीलदार इकबाल खान पहुंचे, उन्होंने भी परिजनों को समझाई, पर परिजन समझने को तैयार नहीं थे। अंत में रात लगभग 12 SDM दिनेश शुक्ला मौके पर पहुंचे, जिसने करीब 1 की समझाइश के बाद लापरवाह कर्मचारी एवं दोषियों पर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद ही परिजन घर लौटे।
एसडीएम दिनेश शुक्ला ने परिजनों को आश्वस्त किया कि सोमवार सुबह तक मामले की जांच करवाई जाएगी एवं इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं सुबह तड़के 5 बजे प्रसूता की हालत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद तुरंत उसे ग्वालियर रेफर किया गया। नवजात के पिता इमरान की माने तो यदि समय रहते डॉक्टर अपनी उसकी पत्नी एवं बच्चे की सुध ले लेते तो हो सकता था उनका बच्चा बच जाता, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही का रवैया अपनाते हुए उनके बेटे की हत्या कर दी जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। अब देखना यह होगा कि लोगों को सही करने वाला जिला चिकित्सालय जो कि खुद बीमार पड़ा हुआ है कब अपने आप को सुधारेगा। आजा चलो बाकी लोग निकल जाओ। हमें कोई शिकायत नहीं है सर, हम तो ये कि हमारी लापरवाही हुई है पूरी टोटल। हम जब 9 बजे आ गए थे सुबह, 2 दिन से डेली बहू आ रही थी, जब कुछ नहीं हुआ, जब बोलते थे भाई बाहर ले जाओ, 3 बजे इनसे बोलते जब आधा बच्चा सर बाहर आ गया कि इसे बाहर ले जाओ। भाई बाहर कहाँ से ले जाओ, कोई गरीब आदमी कहाँ से ले बाहर जाएगा? और फिर चल बाहर ले जा, अगर बाहर ले जाएंगे तो फिर तहसील घोषित कर दो, फिर बच्चा को बाहर कैसे ले जाएंगे? जब आधा बाहर आ गया आधा अंदर आ गया बाहर कैसे ले जाए फिर हम? डॉक्टर ने को छोड़ के भाई कलेक्टर ऑफिस जाने के चल चली भी गई। जब मैं कलेक्टर ऑफिस फोन लगा रहा हूँ तो उन्हें वापस आना चाहिए, उन्हें भेजना चाहिए कि कितने बार फोन आ गया। चौरासी मैडम और एक मैडम और एक सर है, नाम पता नहीं कितने बजे की बात है भाई सर। जी मैं 4 बजे फोन लगा रहा हूँ सर, 7:30 बजे ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। 7:30 बजे ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। बच्चा कब फंस गया था? बच्चा तो इन्हें 3 बजे बोली थी साहब आपका बच्चा फंस गया, बाहर ले जाओ आप। अच्छा 3 बजे से पता, 7 बजे 7:30 बजे ऑपरेशन किया, बाहर ले जाओ आप, तो बाहर ले जाओ भाई। बाहर गरीब आदमी कहाँ लेके जाएगा? आधा बाहर था आधा अंदर था भाई। अगर हम बाहर ही लेके जाएंगे तो अगर जब डॉक्टर इनकी कमी है, डॉक्टर इतने अच्छे नहीं है कि ऑपरेशन कर सके, तो बड़ी स्थल क्यों है? तहसील घोषित करो ना भैया, या अच्छे डॉक्टर लेके आओ। और एक ही नौबत होती है, कोई डॉक्टर ऐसे संभालने वाला चाहिए फिर क्या? बच्चा आपका? बच्चे मेरे भाई का है। मैं उनसे बोला चोरी से मैडम जी से, तो बदतमीज उल्टी मुझसे बोली कि अगर तुमको ज़्यादा जल्दी है तो बच्चे को बाहर ले जाओ। उस वक्त ही बच्चे कैफे दिए थे कि आधा इतना बाहर था वो, आधा इतना अंदर था। मैंने उनसे कि मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तो बोलती फिर इंतजार करो। कहाँ के रहने वाले हो आप? गेंद पटेल नगर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। और आपकी पत्नी वाइफ का? रानू वानो। अल्लाह बहुत ही बदतमीज से खेला चलाता गरीब आदमी है। इतनी जल्दी चाहिए तो फिर बाहर ले जाओ, आधा बाहर था आधा अंदर था, और साइन करवा के और फौरन ऑफिस चली गई माँ मीटिंग में। पीछे बच्चा बाहर, और पीछे से मेरा पीछे से बच्चा हमें पता भी नहीं है, और पीछे से मेरी मिसेज को परवारे के परवारे जच्चा वार्ड में उन्होंने एडमिट कर दिया। इसको भी ले गए साथ में? पता भी नहीं है, इसको भी साथ में ले गए। एक ऑपरेशन और हुआ उसको आगे से ले गए। आपने शिकायत कहाँ की? और शिकायत हमने ये एक नंबर और था बोर्ड पे, वो उनका जैन साहब है कोई, उनसे शिकायत करी थी। उनका नंबर है 94251-33089। अब जिस इन सर्कों में 4 बार फोन किया मैं, सर यहाँ इमरजेंसी भेजिए, तो भाई ठीक है हम इंतजाम करते हैं। उनने जरूर दिया मैं वो दिलासा कि हम इंतजाम करते हैं डॉक्टर का, लेकिन जो मैंने कलेक्टर ऑफिस से फ़ोन लगाया वे 4 बार फ़ोन किया, फ़ोन डिटेल निकाल सकते हो, रिकॉर्डिंग भी होगी बकायदा उसके अंदर, क्योंकि कलेक्टर साहब का फ़ोन तो रिकॉर्ड होगा ही सही। उनने क्या बोला कि इमरजेंसी था बाहर ले जाओ। भाई 4 बार मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, भाई मैडम चौरसिया जी मैडम भेज दो, इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करवाना है। आने के बाद भी काफ़ी बदतमीज से बोली और गुस्सा हुई, आधा एक घंटा उसके बाद मेरी मैसेज अंदर थिएटर में वो तड़प रही है, उसके बावजूद हमसे भेस कर रही है वो। नहीं, मैं उसका दादा हूँ, मतलब मेरे बहू के मैं ससुर हूँ। मेरे से चौरासी मैडम कह रही है कि लिख के दो, मैंने कहा मैडम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने जो लिखा जो हमने आपने लिखा और तुमने पढ़ के सुना दिया, हमने कबूल कर लिया। बच्चों के भाग से अगर माँ बच जाए तो ठीक है, मगर तो आप इलाज तो करो, है फिर भी कह रही कि आप लिखो। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसमें कैसे लिखूँ इस मामले में, मैंने आधा घंटा लगा दिया। उसके बाद ही वो भेस करती रही,
यही ऑपरेशन की फौरन हमने साइन कर दिया, उसके बाद फौरन एक्शन ले, उसके बाद भी आधा घंटा भेस करने के बाद भी फिर इनका इंतजार हुआ, इंतजार अंदर मेरी मैसेज भर्ती हो गई, उसके एक घंटे तक बाद भी ऑपरेशन उसका शुरू नहीं हुआ था। ये इसमें एक चौरासी मैडम है और दो मैडम और हैं और एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, ये सब कुल चार लोग हैं। बाकायदा कैमरे की फुटेज निकाल के अपन चेक कर सकते हैं, हम लोग थिएटर के अंदर कब गए और बोला डॉक्टर साहब आए कितनी लेट आए। हाँ बोला डॉक्टर साहब भी हैं और एक डॉक्टर और हैं, दो डॉक्टर हैं, उसमें एक डॉक्टर का मुझे नाम याद है, उनका नाम है भोला साहब और एक का नाम याद नहीं है, और दो मैडम है, एक का नाम है चौरासी मैडम, एक का मुझे नाम पता नहीं है। बलात्कार के मामलों में आई वृद्धि के विरोध में समाज सेवी एवं बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कल शाम को शहर के मुख्य मार्गों से निकाला कैंडल मार्च। इस कैंडल मार्च के चलते बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने बलात्कार पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी भी की। पीएचई विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी पहुंचे पीएचई और सौंपा ज्ञापन। पीएचई विभाग में कार्यरत पंप ऑपरेटर अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर विभाग में पहुंचे। इन ऑपरेटरों की माने तो करीब 15 साल से ये पीएचई विभाग में कार्य कर रहे हैं, जिनके कार्य करने की कोई समय सीमा नहीं है, इसके बाद भी इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। अपनी इसी मांग को लेकर आज सभी लोग पहुंचे पीएचई कार्यालय और सौंपा ज्ञापन। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। क्या हो गया? हमारी नहीं मांगों का मांग पूरी नहीं होंगी तो हम 25 तारीख से हड़ताल पे जाएंगे। कोई पंप ऑपरेटर कोई गुलाम पानी नहीं बोले हमारे भोपाल से आधे सहाय ना करीस साल हो गई सर, हम 15-15 साल से काम कर रहे हैं। किसमें? केजी विभाग में, और हम लोगों का अभी तक कोई मतलब नियमितीकरण नहीं हुआ है। क्या काम करते हैं आप? हम पंप ऑपरेटर रहते हैं, हम पानी की मतलब जल सप्लाई का काम करते हैं। हमारी 24 घंटे ड्यूटी रहती है, हमारा कोई टाइम ही नहीं है साहब, लेकिन हमारी कोई मतलब सुनवाई तो अभी भोपाल के आदेश अनुसार हमको नियमितीकरण भी नहीं किया गया। हमारी लिस्ट आई थी उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, हमारा कोई पता नहीं है। जब आपको नौकरी पे लिया गया था, जब आपसे ये बोला गया था कि आपको नियमित कर दिया जा रहा है ना, मतलब ड्यूटी कार्ड कितने साल हो गए आपको काम को? 15 साल हो गए सर मुझे। नानाखेड़ी मंडी के पास एक ट्रक बीच रास्ते में खड़े हो जाने से लग गया जाम। बताया जा रहा है कि ट्रक जो कि रास्ते के बीचों बीच खड़ा था, जिसके कारण पीछे लंबा जाम लग गया था, उसे हटाने के लिए यातायात पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस ट्रक को जब्त कर लिया गया जिससे इसके कागजों की पड़ताल भी की जा सके। साथ ही यातायात थाना प्रभारी मोनिका जैन ने बताया कि यदि इसके कागज पूरे होंगे तो इस पर नो एंट्री की कायमी की जाएगी, और यदि कागज पूरे नहीं होते तो उसी हिसाब से इसको दंडित किया जाएगा। इसके भी कागज चेक किए जाएंगे, कागज पूरे होंगे तो पार्किंग की कार्रवाई की जाएगी, और कागज की कमी होगी तो उसके हिसाब से। कहाँ पे टिका रखी थी इसने कागज? कहाँ पे, किस जगह पे गाड़ी खड़ी कर दी? गाड़ी यही खड़ी थी और इसके बाजू में एक ट्रॉली और पीछे पूरा जाम लगा हुआ है। नानाखेड़ी मंडी में? हाँ, अभी जब बालाघाट से एक ट्रक चावल आया वो भी खराब। सूचना के मुताबिक बालाघाट से एक ट्रक चावल लेकर आया, जिसमें चावल में कीड़े लगे हुए थे और चावल की क्वालिटी भी बहुत ही खराब थी, जिस पर खाद्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल वापस भेजे जाने का निर्णय लिया। उसके बाद बालाघाट से अच्छी किस्म का चावल मंगाया जाएगा।
ये सही चावल है जी। ऐसी ऐसी रहना, ऐसी रहना। पहले जो रेख आई थी कंपनी पत्रकार के पूरे कोई शाबाश। तुम क्या समझ रहे थे? मैं अभी मेरी बालाघाट से आया है, बालाघाट वाले ने बताया कि इसको अलग रखवा लो और उनके तुलसी आएंगे और मिलर आएगा तो इसको वापस ले, इसको वापस ले जाएंगे, दूसरा चावल आ जाएगा। किस रहा है मैडम? एक ट्रक। हाँ, मुझे फिलहाल एक ही ट्रक आया है, मेरे पास अभी कवर है, इसी दिन में आए देखने के लिए। और भी आ रही है क्या? रह गए नहीं, रेट नहीं, केवल एक ही ट्रक है, जरूरत है नहीं चावल इतना भरे हम खा लेंगे। एक ही ट्रक? हाँ, एक ही ट्रक। हाट रोड पर स्थित एक दुकान में अचानक लगी आग, जिसके चलते हुआ लाखों का नुकसान, आग के कारण अभी भी अज्ञात हैं। वहीं दुकान मालिक का कहना है कि उसे रात 3:30 बजे एक फोन आया जिसपे सूचना मिली कि उसके दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद वह जल्दी से दुकान पहुंचा, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी फोन करके बुलाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल के खाक हो चुका था। दुकान मालिक की माने तो उसकी दुकान में करीब 20 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। ऊपर से ले लो, ये देख जाएगा, पूरे ही देख रहा है, वो तो है कुछ भी नहीं है। यहीं से ले लेते भाई ऊपर। पौने 3 बजे फोन आया और जहाँ आए और 3:15 बजे फायर ब्रिगेड गिरा गई, बस उन्होंने नली डाल के अंदर से आग उगड़े। क्या है, शॉर्ट सर्किट है क्या है ये? इसमें भाई साहब 20 लाख रुपए का पूरा माल साफ हो। अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहाते सिंधिया कॉलोनी के रहवासी, रहवासियों के अनुसार उन्हें इस गांव का नाम सिंधिया कॉलोनी होने के चलते परेशान होना पड़ रहा है। सरपंच कहता है कि तुम सिंधिया के पास जाओ और उसी से काम कराओ। इस गांव में पानी की बड़ी किल्लत है, जिसके चलते यहां पर एक ही हैंडपंप पे पूरा गांव निर्भर है। वही हैंडपंप भी इतना टाइट चलता है कि उसे 3 लोगों को चलाना पड़ता है। पानी की किल्लत से जूझ रहे इस गांव के रहवासियों ने कई बार जन सुनवाई में भी आवेदन दिया, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। समस्या पर है कि इतनी गर्मी में ये लोग गांव वाले कैसे अपना समय गुजार पाएंगे। है कि अभी महीने में 8-10 दिन नल आते हैं और अभी भी 4-5 दिन से नल नहीं आए। हम लोग क्या है कि बहुत दिनों से सरपंच को भी बोला था, परसों के दिन बुझे बोलता है कहीं तुम लोग पेपरबाजी करते हो तो पेपरबाजी से काम करवा लो, और 2,500 रुपये की अवैध वसूली हर घर से की है, जिसको रसीद मिली है, किसी से रुपये नहीं लिए गए हैं और किसी से लिए गए हैं। इस तरह की बातें हैं, जब भी हमसे ये बातें पंचायत एवं सरपंच वगैरह से कहते हैं तो यही बातें करते हैं कि आपकी कॉलोनी का नाम सिंधिया कॉलोनी, तो सिंधिया जी विकास कराएंगे। तो फिर ये पानी जो हैंडपम्प लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें जो दिक्कत है, क्या कहते हैं, इसे मतलब आधे घंटे चलाते हैं, जब इसमें आधे पौन घंटे बाद पानी निकलता है। बहुत दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ की। तो इसको 3-3 लोग चला रहे हैं? 3-3 लोग क्या है, पाइप मतलब पानी नहीं आता उसमें। हमने इसका आवेदन भी दिया पंचायत में, ऊपर भी कलेक्टर जन सुनवाई में हम आवेदन दे चुके हैं। हमारे क्या कहते हैं भैया हैं को अपने लंबा जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष, उनने हमसे ये बुलाया कि आप 25-26 तारीख को एक फाइल बना लेना कलेक्टर साहब से, हम लोग मिलने भी जा रहे हैं 25 से लेकर 27 तारीख के बीच में हम फाइल बना के। समस्या पानी की बहुत ज़्यादा है, 2-4 रोज से नली नहीं आए, कतई व्यवस्था भंग है। हेडपम्प है चलाते हैं तो 2-4 गुंड पानी निकलता है, कोई भर भी नहीं पाता।
सब प्यास मर रहे हैं बुरी तरह से। नल भी नल लग रहे हैं तो पानी नहीं आता? नहीं, कोई कुछ पानी नहीं आता। जब कोई दो चार दिन एक आध दिन आता है, आधा घंटा दे दिए, कम 15 मिनट दे दिए, कोई समस्या। पर पीने की व्यवस्था आप लोग कहाँ से? पीने की व्यवस्था हम इधर उधर से मंडी इधर नीचे उतर जाते हैं, परेशान होते हैं। करीबन कितनी दूरी से पानी लाने पड़ रहा है आपको? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर करीब लगभग। एक अच्छे उद्देश्य के लिए एक धावक गोवा से दिल्ली दौड़कर जा रहा है। इसका नाम है द्वीप। द्वीप के अनुसार आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसका शिकार ज्यादातर रास्ते पर घूमते बच्चे होते हैं, जिन्हें नहीं पता कि बलात्कार आखिर चीज क्या है। इसी बात की अलग जगह ने, या यूं कहें लोगों को जागरूक करने के लिए यह दौड़ रहा है। द्वीप रास्ते में जहां भी कोई गांव, शहर या कस्बा मिलता है, वहां के लोगों को बलात्कार से बचने के लिए जागरूकता देता है। द्वीप का उद्देश्य है कि यह पूरे देश को जागरूक बनाए, जिससे छोटे बच्चे बलात्कार का शिकार ना हो पाए। बता दें कि द्वीप गोवा से दिल्ली तक दौड़ कर जा रहे हैं। गोवा से आया हूँ, तो मैं एक्चुअली दौड़ रहा हूँ चाइल्ड अब्यूज एंड रेप, जो छोटे 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 बच्चे पे रेप हो रहा है, तो उसके खिलाफ मैं दौड़ रहा हूँ, क्योंकि किसी को अभी इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। जब मैं गोवा से आ रहा था तो हाईवे पे मतलब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही दौड़ रहे थे, मतलब अगर मतलब उसके उसके बारे में उनको पता भी नहीं है कि ऐसा होता है करके, मतलब रेप होता है अगर क्या अगर उसको मतलब हाईवे पे किसी ने उठा के मतलब ले गए और रेप हो गया, तो मैं उनके बारे में सबको जानकारी दे देते गोवा से दिल्ली तक दौड़ रहा हूँ, तो देखेंगे कैसा है। क्या नाम? मेरा नाम द्वीप मौलवी जी। द्वीप मौलवी द्वीप कब निकले? निकले 8 अप्रैल को निकले थे। 8 अप्रैल ऑलमोस्ट 14 दिन 15 दिन हो गया। कब पहुँच? अभी तो मैं 6 तारीख को पहुँचूंगा दिल्ली, मतलब हिसाब से मैं 70-80 किलोमीटर दौड़ता हूँ दिन में, 70 कभी 60 डिपेंड करता है, अगर धूप कम रही तो 100 भी निकल लेता हूँ, मतलब 17 घंटे में 12 बजे तक दौड़ता हूँ। एक पिता अपने बच्चे की लाश को लेकर घंटों बैठा रहा जिला चिकित्सालय में, जिसका कारण था शव वाहन का ना होना। इस घटना को देखकर कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं था। जब हमें इस बारे में पता चला, हमने जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो व्यक्ति अपने बेटे की लाश को अपने सीने से लगाए घूम रहा है। पता चला कि अस्पताल में केवल एक ही शव वाहन है, जो कि एक निजी संस्था द्वारा दान किया गया है। वहीं शव वाहन की स्थिति यह है कि इसको ले जाने से पहले इसको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी डीजल नहीं होता है। वहीं इस गरीब आदिवासी के पास अपने घर तक जाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते ये आदिवासी करीब 1 घंटे तक अस्पताल परिसर में ही बैठा रहा, अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए, जिसके बाद कुछ समाज सेवियों ने आगे आकर उसके डीजल का खर्चा दिया, जिसके बाद वे अपने बच्चे के शव को ले जा पाया। समस्या पर है कि इतना करोड़ों रुपया सरकार चिकित्सा पे खर्च करती है, तो क्या वो एक शव वाहन को वह नहीं कर सकती? या इन गरीब आदिवासी या इन जैसे गरीब लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है, जो इस जिला चिकित्सालय में मुफ्त इलाज कराते हैं, उनका क्या होगा? क्या कभी किसी ने सोचा है इस बारे में? ये बच्चे की डेड बॉडी को लेके कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ पर? कितनी देर हो गई? कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पर? कितनी देर हो गई? तुम कब को खत्म भाओगे? आधा घंटा ज्यादा हो गया, और अभी तक सब वाहन नहीं आए आपके लिए? सब वाहन लेने के लिए नहीं आए? बाहर नहीं आया? बाहर नहीं आ रहा। हॉस्पिटल से क्या बोला आपके लिए? बच्चे की डेड बॉडी लेकर कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? आधा घंटा होगा। आधा घंटा से ऊपर हो गया, और यहाँ पर इसके लिए
आपके लिए सब बहाने नहीं आए कोई छोड़ने के लिए? कोई नहीं आए। तो आपने अंदर डॉक्टर से बोला तो उन्होंने क्या बोला आपसे? डांग इधर जा बोलो, कहीं छुरा कतर नहीं ले आओ, कहीं जिसका पेट फाड़ दी बच्चा का। नहीं तो सब बहान नहीं आया अभी तक छोड़ने के लिए, तो आपको यहाँ से ले जाने में क्या कैसे ले जाएंगे आप इसके लिए? बहन करो साहब तुम्हें। डीजे आना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।